हमारे चैनल की न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसटीएस सीरीज को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोस और डेली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसटीएस सीरीज। गाइस, मेरा नाम है सक्षम जागी। आपने देखा ही होगा क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं आजकल। आपके वीडियोस पर मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और आपकी लाइक्स भी देखता रहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी किसी ऐप क्रिएट को लेकर। तो वो जो वीडियो बनाई थी दोस्तों मैंने, कि आप अपना ऐप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ मैंने एक थोड़ी सी नॉलेज दी थी, वो प्रॉपर ऐप क्रिएटिंग ऐप नहीं था। तो उस वीडियो पर सिर्फ मैंने इतना बताया था कि आप किसी फेक ऐप के थ्रू आप अपना कैसे ऐप बना सकते हैं। उस पर आपको मैंने ये नहीं बताया था कि आप अपना ऐप कैसे प्ले स्टोर पर चढ़ा सकते हैं। तो वो सिर्फ मेरी फन के लिए बनाई गई वीडियो थी। मैं जो लेकिन जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बिल्कुल रियल ऐप होगा और आप उसको प्ले स्टोर पर भी चढ़ा पाओगे अगर आपके पास कुछ डॉलर्स हैं, और उसमें आप एड्स के थ्रू पैसा भी कमा सकते हो। उस पर आप एड्स भी लगा सकते हो, बिल्कुल आपका प्रोफेशनल ऐप होगा। आपने सुना होगा अभी पीछे जब चाइनीज ऐप्स की जो बिल्कुल बैन कर दिए गए थे हमारे इंडिया में चाइनीज ऐप, तो उसके लिए उसके बाद हमारे एक ब्राउजर आया था जिसका नाम था इंडियन ब्राउजर, वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू बनाया गया था प्रॉपर, और उसने बहुत ही रिवेन्यू अपना कमाया था। वो पब्लिक ने उसको 1 मिलियन के आसपास एकदम से डाउनलोड कर लिया था। तो उसी वेबसाइट के थ्रू मैं आपको ऐप बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पिछली वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। जो पिछली वीडियो थी वो सिर्फ मैंने नॉर्मली एक आपके लिए बनाई थी कि आप किसी भी फेक ऐप के थ्रू शो ऑफ करने के लिए ऐप कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो पर रियलिटी अपनी ना दें और बैड कमेंट्स ना करें, क्योंकि वो सिर्फ मैंने एक ऐसा बनाई थी कि आप शो ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपनी इस वाली वीडियो पर जो कि बिल्कुल रियल है और आप इससे अपने ऐड्स के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी ऐप क्रिएट कर दिखा देता हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको अपनी गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप गीज़र। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐप गीज़र सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने जो लिंक आएगा इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस ओपन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट फॉर ए फ्री एप्लीकेशन, तो इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको बिजनेस और एक इंडिविजुअल। बिजनेस वाले में आपकी अगर कोई वेबसाइट है आपको फेसबुक के थ्रू या आपको यूट्यूब के थ्रू कोई ऐप बनाना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो ब्राउज़र हो, चाहे वो टिकटॉक की तरह हो, चाहे वो एमएक्स प्लेयर की तरह हो, कुछ भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपने यूट्यूब का ऐप बनाना है तो हम अपने यूट्यूब पर क्लिक कर देंगे। YouTube पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ही कुछ ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी होंगी और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो इंटरफेस ओपन यहाँ पर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन पर जो है ये दोनों ऑप्शन आपको फिल कर देने हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको अपनी यूट्यूब की API ID डालनी होगी, और API ID कैसे निकलती है वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके नीचे आपको अपने चैनल का URL डाल देना है। तो मैंने ये अपनी AI जो पिन थी इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया है AIP पिन को, और नीचे अपने चैनल का URL मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। URL मैंने भी यहाँ पर ये डाल दिया है, यानी कि पेस्ट कर दिया है। अब हमें सीधे नीचे जाना है और नेक्स्ट के ऑप्शन के जो ऊपर एक ऑप्शन है अपीयरेंस सेटिंग्स, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपीयरेंस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप कौन से कलर्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, क्या उसकी थीम होगी। यहाँ पर आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेड कलर। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंजिंग इसकी भी कर देता हूँ। यहाँ पर हल्का सा लाइट जो है मैंने ब्लू ले लिया है, उसके बाद इसको मैं ब्लू ही रहने दूंगा। अब इसके बाद जो अगला इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको अपने ऐप का नेम देना होगा। तो API ID मैंने जब ये ऐप को बताया कि आपको बेल आइकन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम डालने के बाद नेक्स्ट इसको भी कर देंगे। आप देख लें स्पेलिंग आपकी एप्लीकेशन की सही से हो, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन होगा, या थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो कि आपको सारा फिल करना होता है। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का जो लोगो है वो यहाँ पर इसको देना होगा। तो अब इसको हम लोगो सेलेक्ट कर लेंगे अपनी गैलरी में जाकर।
यहाँ पर आपको अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। ये जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ये मेरा फ्रेंड का एक यूट्यूब चैनल है, उसने मुझको बोला था कि भाई क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो मेरी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं उसकी एप्लीकेशन का ये लोगो डाल रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जो इंटरफेस ओपन होगा उस पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऐप गीजर जो हमारा इंडियन ब्राउज़र था वो भी यहाँ से इससे ही बनाया गया था। अब आपके सामने जो ये इंटरफेस ओपन होगा इस पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम डालकर इसको ओके कर देना है। उसके बाद में जो इंटरफेस ओपन होगा ये आपके सामने है। इस इंटरफेस में आपको सब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपने किया है। उसके बाद में आपको सिंपली इसको एक बार चाहे रीड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, मेरा ऑलरेडी यहां पर डला हुआ है। उसके बाद में सेंड टू ईमेल पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं और यहां पर ये बताया गया है कितने डॉलर्स में आपका ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर चढ़ सकता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। यहां पर आपने जितना यहां पर प्रोसेस दिया है उसके बाद में आप इसको पूरा रीड भी कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं और आप किस तरीके से इस पर एड्स जो आते हैं किसी भी एप्लीकेशन में वो कैसे ऐड कर सकते हैं और उनसे कैसे मनी अर्निंग कर सकते हैं। वो ऐड जब ही होंगे जब आपका ऐप एप्लीकेशन उस पर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे नीचे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यू नीड ए गूगल प्ले अकाउंट यानी कि आपको प्ले स्टोर पर ये चढ़ाने को बोलेगा। अगर आपको प्ले स्टोर पर चढ़ाना है तो आप पहले ऑप्शन पर एक ऑप्शन लिखा होगा विजिट, विजिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक वो वहाँ पर मनी ट्रांजैक्शन का अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी जहाँ पर आपको $25 इसको प्रोवाइड कराने होंगे। उसके 1 वीक के अंदर अंदर ये आपकी गूगल प्ले स्टोर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर देगा जहाँ पर आप अपना ऐप को चढ़ा सकते हैं, वो वेरीफाइड होगा प्ले प्रोटेक्ट द्वारा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे ये जो गाइडलाइंस है ये भी एक बार पढ़ लेनी है अगर आपकी इच्छा हो तो। उसके बाद में आपको सबसे नीचे की साइड चले जाना है। मैं एक बार आपको फिर भी बता रहा हूँ कि एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद में इसको नीचे चले जाना है आई हैव पब्लिश्ड माई ऐप पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको बता देंगे कि मेरे ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर भी क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में आपको अगर ये डिटेल्स इसको देनी है कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए तो आप इसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी भी यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर अपना ईमेल और फेसबुक और टेलीग्राम ये सब आपको दे देना है। उसके बाद में सबमिट आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसको अभी तक कुछ नहीं दिया है तो अब आप अपने ईमेल पर जाएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अगर रिफ्रेश नहीं है तो यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन पड़ी होगी ऐप गीजर के नेम से। यहां पर आपको एक बटन दिया होगा डाउनलोड योर ऐप, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन तक गूगल क्रोम में आपको पहुंचा देगा। अब आपको सिंपली यहां से ओके पर क्लिक करना है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है वो आपसे डाउनलोडिंग के लिए एक ऑप्शन आएगा और यहां पर आपका जो पहले जो ऐप है ये यहां पर बिल्ड होगा यानी कि बनाया जाएगा। ये बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आपका बिल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका योर ऐप इज़ बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं 100%। तो आपका जो ऐप है अब आपको दोबारा उसी ओके बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ओके वाला बटन फिर से यहाँ पर आ जाएगा और आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे की साइड एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग योर ऐप की नोटिफिकेशन आ चुकी है और यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉरी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको सिंपली ओके कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल ये हमारा गूगल प्ले से प्ले प्रोटेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर कुछ ये गाइडलाइंस देगा तो इसको आपको ओके कर देना है या एनीवे इंस्टॉल कर देना है। ओके आपको नहीं करना है क्योंकि ओके करेंगे तो आपको गूगल प्ले पर रजिस्टर करना पड़ेगा। एनीवे इसको कर देना है। एनीवे करने के बाद आपका जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये रियली में आपका यूट्यूब का ही ऐप है या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर जो एक वीडियो आएगी वो यूट्यूब से सीधा कनेक्ट आपके एप्लीकेशन में आएगी यानी कि आपकी जितनी वीडियोस होंगी वो कोई भी बंदा आपको इस ऐप के थ्रू आपकी बिल्कुल डायरेक्ट आपका व्यू भी बढ़ेगा और अगर वो लाइक करना चाहता है तो आपको यहाँ से लाइक भी कर देगा यानी कि आपसे बिल्कुल यूट्यूब इस ऐप से बिल्कुल कनेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें आपके फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिया जाता है लेकिन अब ये जैसे कि आपको मैंने बताया गूगल प्ले स्टोर पर नहीं चढ़ा है तो इस पर ना ही एड्स आएंगे ना कुछ आएगा ना ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो आपको अगर चढ़ाना है तो इसके $25 आपको फिल करके देने होंगे।
अब आपको मैं इसके और फीचर्स दिखा देता हूँ। आपको साइड में जाना होगा, यहाँ पर रिफ्रेश, सेटिंग्स, थीम या शेयर, यहाँ पर अबाउट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका बिल्डिंग नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ आपको ऐप बनाना आ गया होगा और आप अपने किसी भी प्ले स्टोर पर ऐप को चढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।